गाइस देखो आज मैं आया हूँ मेले के अंदर अपने फैमिली के साथ दोबारा से, मतलब बीवी बच्चा और सबको घुमाने आया हूँ। पीछे देखो, मतलब मस्त माहौल है यहाँ का, बिल्कुल ही बिल्कुल मस्त माहौल है। आप भी कभी आओ, एक खोड़ा कॉलोनी में लगता है ये मेला। मयूर विहार फेज 3 दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, बेसिकली खोड़ा कॉलोनी आता है गाजियाबाद में और मयूर विहार फेज 3 आते दिल्ली में। तो कभी आप लोग भी आओ यहाँ पे घूमने के लिए, मज़ा आएगा। और ये रहा मेरा लौंडा, ये कह रहा है कि ट्रेन वाला झूला झूलना है जिसके अंदर बच्चे झूल रहे हैं झूला। ये बस बच्चों के लिए यहाँ पे कितना कुछ है, यहाँ पे एक हंस है, हंस वाला झूला जो खाली चल रहा है, आगे आगे ये झूला है, यहाँ पे अपना जो झूला होता गोल वाला ये झूला है, एक गोल वाला ये रहा सामने। और यहाँ के मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, तो ये एंट्री गेट है, प्रॉपर यहाँ पे चेकिंग वैकिंग होती है। और वहाँ सामने रामलीला होती है जो आपको दिख रहा है टाइम पर, थोड़ा सा आपको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रामलीला होती है, यहाँ पे अभी यहाँ रामलीला 9 या 9 बजे के बाद से होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। कल के दिन में यहाँ पे रावण फूका जाएगा, मतलब क्योंकि कल दशहरा है ना, इसलिए आज ही में आ गया, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। और ये अपना सामने अपना खोड़ा कॉलोनी है, जब मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पे मेला है, ये खोड़ा कॉलोनी सामने आपका गाजियाबाद है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मेला लग रहा है, ये आपका दिल्ली में आता है। मैंने आपसे बेसिकली बताया ना, ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, तो गाजियाबाद आपका यूपी में आता है और मयूर विहार फेज 3 आपका दिल्ली में आता है। तो गाइस देखो, मैंने अपने बेटे को बिठा दिया, वो बैठा पड़ा है, जो टोपी के अंदर है ना वो सुब्रत है, बैठा हुआ मस्त आराम से, बहुत ही ज़्यादा बेचारा परेशान हो रहा था बैठने के लिए। ये देखना अभी ये रहा, अभी से बोलता हूँ हाय करने के लिए। सुब्रत हाय करो, हाय 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 करो, नहीं कर रहा है अभी, झूला झूल लिया और क्या झूलोगे। कुछ नहीं झूलना सुब्रत, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। एक बार बोलना सब्सक्राइब कर दो, हाँ भीड़ बहुत हो रही है, बच्चे ने कहा भाई सब्सक्राइब करने को, सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। देखने एक घंटे इसमें गांड पट रही है, ये जो आ रहा है बहुत देर से चिल्ला रहा है मेरी मम्मी। भाई देखो, अब ये कह रहा था ये वाला झूला झूलना, तो उसको ये वाला झूला मैं झूला रहा हूँ, इसको ये वाला झूला मत झूला, चारा शौक है एकदम से, इसकी मम्मी थोड़ा सा संभाल ली है। लौंडा डरा हुआ है, समझ गए, इससे इतनी देर से आवाज है, सुबह सुबह भाई बिल्कुल नहीं सुनना, मुंडी नीचे करके बस झूले जा रहा है बिल्कुल इसकी शक्ल देखो, इसकी गांड पटी पड़ी है। चलो मैं झूला रोक के इसको उतरवा देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस देखो, मैं आया था दिन के उजाले में, बट यहाँ पे रात हुई, रात होने के बाद देखो यहाँ का नज़ारा, बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे, हम आपको झूले दिखा रहा हूँ, बस यहाँ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वरना मेरे बीवी बच्चे अलग हो जाएंगे। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, देख रहे हो गाइस, यहाँ सिक्योरिटी भी है। ये मेरा लौंडा मतलब कंफ्यूज है कि झूलू कि नहीं झूलू, इतना झूल चुका है, सदमा मतलब लग गया इसे, एक झूला झूल रहा था, इसको बेचारा सदमा खा चुका है ये।
यहाँ से एग्जिट, अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे जहाँ पे एग्जिट है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मेले के बाहर, ठीक है। और ये व्लॉग मैं अब जा रहा हूँ बंद करने। हाँ, आपको कभी मेला आओ तो एक चीज़ भाई सावधानी रखना, अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना, पकड़ के रखना हाथ, माना आपके बच्चे कब भी चढ़ जाएंगे आपसे, कब गायब हो जाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। चलो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। होप आपको आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो गाइस बाय बाय।